हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। तो बच्चा पार्टी, आप सभी बच्चों को ये बताना है कि कल आपका जामिया का है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया में कल 11th साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना, और अभी भी लगे हुए हो। कुछ बच्चे जो हैं वो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो उनका हो रहा होगा कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये सब टेंशन जो है वो जेन्युइन है और सारे बच्चों को के दिमाग में ये सब ख्यालात जो है वो आ रहे होंगे कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो बिल्कुल घबराओ नहीं बच्चा, क्योंकि हम भी जो है आज दिन भर लगे हुए हैं इसी चीज़ में कि बच्चे जो है वो डीमोटिवेट ना हो और परेशान ना हो, और क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है ना, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है तो मेहनत बेकार बिल्कुल नहीं जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो कि आपका पेपर ख़राब जाएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्यों अच्छा जाएगा, देखो यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है कि तैयारी जितनी मज़बूत होती है, तैयारी जितनी मज़बूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। और आपकी तैयारी मज़बूत है वो मुझे पता है, क्योंकि जितना लेक्चर्स हमने लिया है उतना लेक्चर्स आपने देखा है। तो भैया इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत में कमी की है, मेहनत में बेईमानी की है, मेहनत में जो है काम चोरी की है, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि आए दिन मुझे कंटिन्यूसली जो है मोबाइल पे कॉल आता रहता है, और इतना कॉल आता है कि हम लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चों का तो कॉल का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। रीज़न ये है बच्चा कि हम लोग भी कंटिन्यूसली आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट कराने में कंटिन्यू लगे हुए हैं, इस वजह से जो है वो हम लोग जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। बच्चे लोगों को ये समझ में आना चाहिए है ना कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम कितना मेहनत करेंगे। तो मेहनत आप लोगों ने जितना करना था आप लोगों ने मेहनत कर लिया है बच्चे, अब डरना नहीं है बच्चा मेरा, डर के जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे ऐसे डर जाते हैं जिनकी वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है। तो ये बिल्कुल टेंशन मत लो। एक और बात हम कहना चाहेंगे बच्चा पार्टी, कि तू सब्र रख, जो तेरा है तुझे मिल के रहेगा। आ रही बात समझ में, यानी कि आपको अगर आपका सिलेक्शन होना रहेगा जामिया मिलिया इस्लामिया में तो बेटा हो के रहेगा, आपसे कोई नहीं छीन सकता ये सिलेक्शन। आ रही बात समझ, बस सब्र करो सब्र, क्योंकि मेहनत तो आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, कमी किस चीज़ की है तो सब्र की कमी है। अभी टेंशन आ रहा है, अरे कहीं से इधर से कुछ मिल जाए, इधर से कुछ मिल जाए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन लीक हो जाए है ना, तो क्वेश्चन मिल जाए तो बेटा आंसर फटाफट कर देंगे हम। तो ये सब ख्याल दिमाग में आएगा, और कुछ ऐसे बच्चों को ऐसा कुछ लग रहा होगा ना कि पता नहीं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए, लग रहा होगा सबको, लगता है जो जिसका इस बार रैंक वन आने वाला है ना उस बच्चे को भी लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, पता नहीं कल क्या होने वाला। तो भैया ये जेन्युइन फीलिंग है, दैट मीन्स आप नॉर्मल हो। अगर आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि सब कुछ भूल गए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है, आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है इसीलिए आपको ऐसा ख्याल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा ख्याल आ रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो भैया इससे अपना मोटिवेशन हाई कर दो, दैट मीन्स आपने बहुत पढ़ा है। और ये आपको कल पता चलेगा, ये आपको कल पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे खुशी से बांछे खिल जाएंगे, सारे आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग करोगे, ये मेरा पक्का जो है वो प्रॉमिस है, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करोगे। तो भैया बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो एक और मोटिवेशन करने वाली बात जो है, मोटिवेट करने वाली बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा, उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ़ चल रही है। यानी कि कुछ डिस्ट्रैक्शन भी हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन ये है कि बहुत लोग बोले अरे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अरे तुम्हारे लिए हाइये नहीं, तुम बेटा सिंपल स्टडी करो, नॉर्मल पढ़ाई करो, ये जो जामिया का सपना छोड़ दो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपना छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो भैया इससे तो सामना आपका हो ही रहा है, बस इससे निकल करके आपको साबित करना है। कैसे साबित करना है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है और बस सब्र करना है, क्योंकि जो आपका है, अगर आपका सिलेक्शन लिखा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो करके रहेगा, कोई छीनने वाला नहीं है मेरे लाल। आ रही बात समझ में, ये सब आपको समझना चाहिए, ठीक है।
ये सब आपको समझना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ कि संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है, तो फिर इससे क्यों भागना? क्या मतलब हुआ? ये जो स्ट्रगल है, ये जो मेहनत है जो आप लोग कर रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो? 6 महीना 7 महीना 5 महीना से आप लोग ये स्ट्रगल रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, तो ये तो आपका ज़िंदगी का लाइफ का एक हिस्सा है। हर टाइम में आपका जो है वो स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा बच्चा। अभी छोटा मोटा कॉम्पिटिशन है, 11th साइंस का कॉम्पिटिशन है। आगे जाओगे आपको क्या बनना है? कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चों को सिविल सर्विस में जाना है, IAS बनना है, IPS बनना है। तो भैया उन सब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उन सब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उससे भागने में कोई मज़ा नहीं है, उससे भागने से कुछ नहीं होगा भैया। तो ये जो कल आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है मेरे लाल, बिल्कुल नहीं लेना है। बार बार हम कह रहे हैं, है ना, जितना आपने कर लिया इनफ है। बस फ्रेश माइंड होकर के कल अच्छे तरीके से सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचिए और पेपर दीजिए बच्चा। आ रही बात समझ में? तो ये तो भाई लाइफ साइकिल है, इसमें आपका ये सारी परेशानी, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलती रहेंगी। बस आपको इससे हट करके, साइड निकल करके आपको जो है वो अपने आप को साबित करना है। आ रही बात समझ में? तो एक और चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन चीज़, बहुत अच्छी अच्छी लाइन लेकर के आया, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम एक बात बोलेंगे कि बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। ये कॉन्फिडेंस हाई करने वाली बात बोल रहे हैं। बोले सदाब सर कैसे बहकी बहकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहकी बहकी बात नहीं है। आने वाले दिनों में आप ही जो है वो क्या बनोगे, रोल मॉडल बनोगे बहुत सारे बच्चों का। और अभी ही रोल मॉडल बन जाओगे कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छा रैंक आ जाए, तो यही सदाब सर इसी प्लेटफॉर्म से आपका नाम, आपका रैंक, आपका रिजल्ट इतनी खूबसूरती से पेश करेगा ना, कि जो बच्चे सोच रहे हैं, जिनका सपना है जामिया में जाने का, AMU में जाने का, वो मोटिवेट होकर के आप लोगों को रोल मॉडल मान करके आप ही की तरह वो भी सिलेक्शन लेना चाहेगा। तो भैया आप जो है वो आने वाले बच्चों के रोल मॉडल बनने के लायक हो, रोल मॉडल बनने वाले हो, तो साबित करो, है ना। फ्रेश माइंड होकर के एग्ज़ाम देना है, साबित करना है, और आने वाले बच्चों को गाइड करना है कि किस तरीके से जामिया का पेपर निकलता है, किस तरीके से AMU का पेपर निकलता है। ये सब आपके हाथ में है। तो बिना टेंशन लिए आप सभी बच्चे जो है कल पेपर देने जाएं, अच्छे तरीके से एडमिट कार्ड जो है अपने साथ रख लेंगे, हॉल टिकट अपने साथ रख लेंगे, ठीक है, डाउनलोड करके रखिए, फोटोग्राफ्स वगैरह रख लीजिए, और सेंटर पर 1 घंटा पहले, कम से कम मिनिमम 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाएं फ्रेश होकर के, और उसके बाद अपना पेपर जो है वो देना शुरू करें। और 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आसानी से आपको करना है। बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल हड़बड़ नहीं करेंगे, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करेंगे। और एक और बात, आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है जामिया 11th साइंस का, भैया इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100 में 100 करके आएंगे। यही तो प्लस पॉइंट है, यही तो प्लस पॉइंट है बच्चा, कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। पिछले साल की अगर हम बात करें, तो जिन बच्चों का 80, जिन बच्चों का 79 सही था, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए बच्चा कि 80 से एवव जो है वो सही सही आंसर करके आए, और अपना नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में दर्ज करके आए। आ रही बात समझ में? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सदाब सर की इस बात को ध्यान रखिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी हो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपने ये जो इन दिनों, जो कुछ दिनों से आप लोगों ने मेहनत किया, ये मेहनत को बर्बाद होने नहीं देना है, और ये मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा मेरे लाल, लिख करके रख लो। आपने मेहनत करा है, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।